अल्लाह साहब जब आप नीयत करते हैं तो आप कदम खुद चलते हैं। मैं तो वो बंदा था भाई, गोली के बाद सुनता था, ओए गोली चल गई है, वो ये क्यों है? मगर जब आका की इज्जत के लिए निकले, फिर आका ने खड़ा कर दिया हमें, आका ने हमें खड़ा कर दिया। और ड्यूटी मेरी पता कहाँ से लगी हुई है? इधर से लगी हुई है, मेरे सरकार ने लगाई मेरी ड्यूटी। जिनकी वो ड्यूटी लगाएंगे उनको पकड़ सकता है? जरूरत नहीं है। बाकी रही ये जो आज बिजली के रोने रोने, बिजली जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर दर बदर यूँ ही, कभी आटे के पीछे हवार, कभी बिजली के पीछे हवार, कभी तेल के पीछे, वो हवार ही फिरते हैं। जो मिलना है उसी दर से मिलना है, उस दर पे जाना पड़ेगा। तुम आका के दुश्मनों को वोट देते हो, वोट तो एक बहुत बड़ी जो थी ना बैत है, जब आपने हाथ दे दी ना बैत होगी ना आपने कि मैंने इसको वोट दी, ये बंदा बेहतरीन है। अगर वो चोरी करे आप बराबर के शरीक, वो सुना करे आप बराबर के शरीक, वो गुस्सा को जप्पी डाले बगैर सलांती आप बराबर के उसका शरीक है। अगर वो जन्म में जाएगा तो आप भी साथ उसे जाएंगे, क्योंकि मेरा आका सर फरमाया कि दुनिया में जिससे मोहब्बत रखोगे आखिरत में तुम उसी से उठाए जाओगे। ये मैं नहीं कहूँगा, मौलिक का फतवा नहीं है। अब इमाम मालिक ने फरमाया था ना कि आपसे सवाल किया गया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर कोई हमला करे तो उम्मत को क्या करना चाहिए? आपने फरमाया उम्मत बदला ले, अगर उम्मत बदला नहीं लेती तो सारी उम्मत मर जाए, हमें मर जाना चाहिए। अब ये मौजूदा हुकूमत ही कौन लोग हैं? ये सब उन्हीं के हंजीर हैं, पालतू हंजीर हैं, ये सारा के मैं डंगे के चोट पे हुआ पता, मेरी जूती भी किसी ने डरती। ये सब युद्ध सारा के पालतू हंजीर हैं। हमारे बताए ना फलस्तीन में हमारी बहन माए बहनें शहीद हो रही हैं, उन पर उन जिंदा के ऊपर कुत्ते छोड़े जा रहे हैं, जो बताएं इनको डूब के नहीं मर जाना चाहिए? क्या वजह है? ये उन्होंने वायरल पे किए हुए हैं पाकिस्तान तबाह करने के लिए। अगर किसी मुल्क को तबाह करना है बगैर मुशत के, बगैर जंग के, तो मुशत तबाह कर दो उसकी। बताएं मुझे क्या आपके हालात, मुझे बता दीजिए। आज ना सूद में मुल्क चल रहा है और अल्लाह रसूल की जंग चल रही है, जब अल्लाह रसूल जंग हो गया आगे बढ़ सकते हैं? मुझे बताएं कह रहे हो लाना था हम पे यार। भाई जान जब भी बचेंगे दीन बचाएगा, कोई माइकल आने में आपको बचाएगा इंशाल्लाह। मैं लबैक के साथ इसीलिए खड़ा हूँ, डंके की छोड़ में कह रहा हूँ, क्योंकि लबैक इस टाइम हमारे कायदीन पे चल रहे हैं और मैं अपनी दुआ खइए वाली हैं, दुआ खइए वाली हैं। मैं बड़ी बारीक भी नहीं थी देख रहा हूँ अपने कायदीन को, क्योंकि बाबा जी ने हमें एक चीज़ सिखाई हुई है कि जो दो नंबर ही करे उसके मुँह पर थूक देना है, और हम ऐसे ही हैं हमारे दिन से, तो जो दो नंबर ही करेगा कोई भी करेगा उसके मुँह पर थूक देंगे। बड़ी नई ज़िंदगी मिल चुकी हुई है हमें, हमारा नज़रिया मिल चुका हुआ है, हमें दुनिया में आने का मकसद मिल चुका हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम करना है, उनके इज्जत पहरा देना है, उनके हाथ में वो पहरा देना है, ये है मकसद दुनिया में आने का। तो जिसका ये मकसद भी लिया वो जीत गया, ठीक हो गया भाई। तो अल्लाह से यही दुआ कि अल्लाह हम सबको मिल के एक मुठ बन के दीन को तस्त बुलाने की फिक्र फरमाए, फिर ही आप बचेंगे। वरना ये नवाज सरदारी ये जितने भी सब एक ही हैं, उन्हीं के हैं, ये आपके बारे नहीं है, ये सब उन्हीं के हैं मेरे भाई, सारे एक ही चीज़ें हैं ये वाली। आप लोग पागल हैं, और आपको दो लॉलीपॉप देते, दो गलियां दो गटर बना दिए, अब वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी क्या बात है। और मुझे भी किसी ने कहा था इलेक्शन लड़ो, मेरे दोस्त मुझे कहा था और मैं लड़ भी सकता था। मैं कह यार इलेक्शन में लड़ूंगा तो बाद में भाई काम किसने करे वाम के, अगर मैं काम नहीं कर सकूँगा मैं दोनों भी करूँगा, आगे छोड़े कपड़े में लेकर मुझे पढ़ने हैं, मैं को इलेक्शन लड़ूँ भाई? ये बड़ी जिम्मेदारी है, आज इलेक्शन लड़ना काम नहीं होता, आगे जो जो आगे हाल होता ना ले लो, जितनी जितने बड़ी दुनिया की ऐसी की मदद ले लो, कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम्हें जब गुस्से पढ़े ना कब्र में जाके, लेकर जब तुम्हें पढ़े तुम्हें फिर पता लगेगा, हाँ उनके मुँह गिरा दिया जाएगा बगैर साहब के। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह तेरे महबूब के गुस्ताख उनके यार जितने भी हैं उनको बगैर साहब के उनके मुँह जन्म फेंकना, और अल्लाह फेंकेगा क्योंकि तो गुनाहगार की माफ़ी पापी फरमा गए रहमतुल्लाह अलैह आदम रज़ी साहब। गुनाहगार की माफ़ी गद्दार की माफ़ी नहीं है, गुनाहगार को तो मेरा आका बख्शवा देंगे, मगर मेरा आका गद्दार उसकी अल्लाह ने उसको छोड़ना नहीं है। तो लब्बो लबाब मेरी बात का एंड यही है भाइयों, दीन पे आओ, दीन को तख्त बुलाओ, दूसरी बात के अलावा कोई भी नहीं है। मैं खप गया कह गया लोगों को छोड़ो इनको, आपने आकर खोलो दीन के इलम लो, और दीन देखो कौन दीन पे चल रहा है उसके मुताबिक उसको वोट दो और दीन को तख्त बुलाओ। जब दीन तख्त पे आएगा तब भी हर मुस्लिम इज्जत पाएगा, बस इतनी बात है। और इसके अलावा मैं जनाब आगे मुहर्रम आ रहे हैं तो मुहर्रम में दादा साहब ने क्या रहमत अल्लाह ताला अलैह, और क्या चीज़ें मतलब नजरों ने आसपास सिक्योरिटी की क्या गवर्नमेंट देती है? गवर्नमेंट यार मैं बोरिस गवर्नमेंट में क्या कोई गवर्नमेंट, तो भाई बस नाम की गवर्नमेंट है, सीधी बात है, ये आपकी हमारी नहीं है। देखिए मुझे बताएं बिजली के बिल क्या आप हालात मुझे बताएं ना, 200 यूनिट का 3000 3000 बिल और एक यूनिट ऊपर का हो तो 8000 बिल, ये क्या ये चक्कर है?
गवर्नमेंट कह कुछ भी नहीं भाई, इधर दादा रहमतुल्लाह भी उनकी इन्हीं के हाथ में खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, तो काम क्या मिलता है, कुछ कर नहीं है। तो बाकी अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे हार कर, मैं तो भाई किसी की भी तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि आखिर के दुश्मन है, उनके यार हैं, तो मेरे मुँह से कोई तारीफ निकल नहीं सकती। तो इंतजाम कौन देखता है? इंतजाम भाई इधर की इंतजाम ही देखेगी सारी बात, जो उनके हुकूमती टाउट है वही देखेंगे सारी बात, और किसी ने टाउट देखने वाला। अल्लाह करे कि यार ये ठीक हो जाए, दीन के साथ ठीक हो जाए। और लोग ज़्यादा आते हैं मुहर्रम बहुत ज़्यादा नहीं ज़्यादा, जब दारू है उठ भी आना दादा रहमत। हाँ जी बहुत उसके साथ पर सिक्योरिटी जो थी ना, जो मैं देखता हूँ बेहतर करते हैं सिक्योरिटी जो मुझे नज़र आता है, क्योंकि ज़ाहिर पता उन्होंने हर चीज़ देखे ना, रस्ते बंद किए होते हैं जो ठीक है। तो बात है कि पुलिस वाले जितने भी हमारे भाई हैं, अलहमदिल्ला मैं बड़ों ने सिखाया, पापा ने सिखाया कि यार ये हमारे भाई हैं, और मैं अक्सर पुलिस के बात करता हूँ, पुलिस वाले जो मुझे मिलते हैं, मैं कहा मेरी गल सुनो यार, एवं तुम हुकूमत लड़ाई है, सारे भरा है कि तो जंग लगनी ना इंडिया के ना, किसी ने जंग लगनी है, इन्होंने भजना बाहर तो लड़ना किन्ने मतलब बैग वाले धरने रख लो के। हमारे तो मीर साहब ने भी कह दिया, नाज मीर साहब सईद अली शाह साहब ने भी, उन्होंने कहा फलस्तीन के लिए 5 लाख फौज निकालो, खर्चे भी देते हैं, 15 लाख मुजाहिदीन भी हम आपको देते हैं, निकलो तुम बाहर निकलो, एक मरत ऐलान की बड़ी मरत ऐलान की है। और कुफर को लबैग सिर्फ एक ही डर है कि यार ये हाली हाथ होते हैं, इन पर हर चीज़ जुल्म किया जाता है, इन पर गोलियाँ बिठाई जाती हैं, शैलिंग की जाती है, इन्हीं से वाले जाते हैं, हर हाथी से वाले जाते हैं, क्योंकि हमारे भाई हम इनके कैसे लड़ सकते हैं, तो जब हमारे खिलाफ ये हथियार उठा के आएंगे तो हमारा हाल क्या करेंगे। कुफर को सिर्फ हमसे ये डर रहा है, और हमारे पीछे सारा कुफर इस टाइम है। आपने शायद आप मेरे पास तो इस टाइम बयान पड़ा हुआ अमरीका का, उधर हमारी कंप्लेंट की गई है, टी एल पी का नाम लिया गया है अमरीका तर्जमान के आगे, और मेरे पास पड़ा हुआ अभी आपको पेश, उधर अमरीका में भाई टी एल पी तरीके लगा के बात की गई है। हाँ जी अब मरीज को क्या हुआ है, अब जो मरतई हैं वो टट्टी और काफर हैं, उनका सलामत आलो की कोई नहीं है, क्योंकि बहुत 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 गद्दार हैं। हमारे लबैक उन्होंने क्या किया पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या किया है, उन्होंने कुर्बानी जा गई, उनको पकड़ा जाकर उनको कुर्बानी किसी करते हुए पुलिस गई है, उनके पीछे मीनार उनके जो टट्टी होने पर जो मीनार है उनको तोड़े गए, लबैक उन्होंने तोड़े हैं। इस टाइम सबसे तकलीफ लबैक से ऐसे मिली है कुफर को, ऐसे तो अमरीका में नाम नहीं लिया गया, मैं दिखा सकता हूँ मेरे पास बड़ी अमरीका में ऐसे लबैक का नाम नहीं पाई लिया गया, तर्जमान लबैक का नाम ले रहा है, उनको तकलीफ है हमसे, उनको खतरा हमसे, जो है हुकूमत जागे ना उन्हें छड़ना नहीं है, और होना सही है, दीन तो आना ही आना है, मेरे बाबा ही फरमा के हैं, हम नहीं देखेंगे वह नस्लें देखेंगे, मगर हमने काम जो जारी रखनी है अल्लाह और उसकी रजा के लिए, अपने बाबा के लिए नहीं, जो अपने बाबा होगा वो जन्म फेंक दिया जाएगा, जैसे वो फरमाया गया ना सबसे पहले जन्म में 3 बंदे फेंके जाएंगे, एक आलम दीन, एक शहीद और एक सही, ये फरमाया गया है, वो कौन होंगे, दिखावे वाले होंगे, दिखावे से काम नहीं करना हमने,